sort, okay, I'm done. Yeah. I think वो मेरे लिए जिंदा थी जैसे. She wanted to go fight with my dad. She's like, वो कैसे चले गए, रिजवान कैसे चले गए. मैं बीमार थी, मुझे हॉस्पिटल में था, मैं मुझे हार्ट प्रॉब्लम था, माय मदर हैड हार्ट इश्यूज एंड स्टफ. तो बट शी कुड नॉट बिलीव दैट माय डैड पास्ड अवे. वो तो बीमार ही नहीं, वो तो गिरे हैं बस ये हो गया. माशाल्लाह सी वाज ऑलवेज हेल्थी. तो मेरे जाने के एक हफ्ते बाद फिर भाई आ गए मेरे लंदन से. उन्होंने उनका ख्याल रखा, फिर अम्मा ठीक हो गए थे, हमें देख के ठीक हो जाती थी. जब हम जाते थे तो फिर उनकी तरफ देन शी जस्ट इन मार्च शी जस्ट सेड के बट आई थिंक माई टाइम हैज़ कम, मेरा वक्त आ गया है. वो मैं फिर पैनिक कर गई. मैंने कहा मैं आ रही हूँ फ़ौरन. मैं 9th of March को पहुँची हूँ रात को, वो क्रेज़ी फ्लाइट्स लेकर. एंड 9th को निकली हूँ, 10th को पहुँची हूँ. एंड 11th मॉर्निंग उनके पास, मैं सुबह में जब रात को मैं पहुँची एंड शी हैड ऑल दोज पाइप्स इन हर एंड आई सेड अम्मा मैं घर जाती हूँ, सुबह में आती हूँ आपके पास. जी सर. आई सेड क्या आपने कर दिया, बोर किया आपने मुझे बहुत. अच्छा, शी वाज सपोज्ड टू कम टू मी एंड अम्मा ने कहा मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हारे पास तो वहाँ अमेरिका में कोई नौकर भी नहीं होंगे, मैं तुम्हें प्रॉब्लम दूंगी. उस वक्त भी सारी बातें सोच रही थी, ये सोच रही थी कि मैं सच अ गिविंग पर्सन, आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो. मैंने कहा अम्मा बस आ जाएं, अब तो मुझे खाना बनाना भी आता है. तो माय हस्बैंड टुक द फोन फ्रॉम माय हैंड एंड सेड आंटी आप आ जाएं, मैं हूँ आपका नौकर. वाओ, माशाल्लाह, ऐसा आदमी है को दुनिया में. खैर, तो बट उनकी कंडीशन ऐसी हुई कि वो ट्रैवल नहीं कर सकी. सूटकेस भी पैक्ड था, कपड़े तक तैयार थे. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड आई सेड के बताइए क्या करना है, पेसमेकर करना है, क्या करना है. दे जस्ट सेड, द डॉक्टर लुक्ड एट मी एंड सेड अ फ्यू मिनट्स और एन आवर. आई एम सो सॉरी एंड आई कुड नॉट. आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई एम हियर नाउ, आई विल मेक ऑल द डिसीजंस. आप करें जो भी ऑपरेशंस करने हैं, जो भी करना है. And then this, then I just, I didn't know what to do. Then I called my brother in London. मैंने कहा they're saying this Rehan and just आप बात करो. मैंने फ़ोन रखा मम्मी के कान पे. Then I just started calling family. जैसे because you didn't know what to do. But at least Allah ने my cousin Maria was with me. Maria Vasti is my first cousin. तो she came. वो यहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझसे सर्जरी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था. मैं बैठी हुई हूँ एंड अम्मा वाज लुकिंग इन माय आईज एंड आई एम लुकिंग एट द ऑक्सीजन. इट वाज जस्ट गोइंग डाउन 30, 20, 25. शी वाज लुकिंग इन माय आईज एंड देन शी वेंट एंड बट दैट मोमेंट जस्ट स्टक विद मी फॉरएवर. अपने सामने इस तरह होते हुए ना, आई वाज जस्ट स्टक इन दैट मोमेंट फॉर लाइक 6 months. अचानक ही जैसे गई है ना, आई एम लाइक सडनली जैसे मैं बड़ी हो गई. मैं सबसे छोटी हूँ एंड सडनली आई सेड ये करें वो करें घर पे ये करें. आई जस्ट स्टार्टेड गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड आई जस्ट सेड अब अम्मा को कोई नहीं देखेगा, घर पे जाके मैंने डिस्प्ले नहीं करना है कुछ भी. ओके, आई जस्ट सेड I told my cousin, my puppy's son Kashif. I just said, आप इधर रुको, मैं घर जाती हूँ, मैं देखती हूँ. बिकॉज कोई न्यूज़ निकल आई थी एंड ऑल द कैमराज वर आउटसाइड. ओके, एक तो ये भी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. आप सोचें what did they want to see now? My mother was on screen all her life. What did they want to see now? वो भी इस वक्त इस स्टेज पे यू डोंट वांट द लेवल. अब्बू कहते थे ना हर बात लेवल की होती. द लेवल ऑफ what are you going to get now? जस्ट न्यूज़ बिट. तो मैंने कहा कोई नहीं देखेगा इनको, नौ घंटे देखा. घर पे पहुंच गए थे सब कैमराज, हॉस्पिटल पे थे. देन दे उनको लिफ्ट से लिटरली निकाल के ना, देन आई मेड सच अ डिसीजन. मैं इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, बोलती ही जा रही हूँ. आई मेड अ पर्सनल डिसीजन कि आई एम नॉट गोना टेक अ होम, पुट हर इन द कोल्ड स्टोरेज. बिकॉज ऑल ऑफ दिस दैट वाज हैपनिंग, आई जस्ट डिडंट वांट एनीबडी टू सी हर. I put it in the cold storage and I hated doing that
But then I said, just do the burial now. Okay. I'm in Aries now, so I'm very impulsive. Mm-hmm. I said, do it now. I don't want people to come and see her. Mm-hmm. And मैंने कहा फजर में करते हैं. देन माय ससुर केम एंड ही सेड, बेटे जितने लोग दुआ करते हैं उनको देख के मुझे थोड़ा सा हेल्प मिली थी, जितने लोग दुआ करते हैं उतने ही सवाब मिलता है जाने वाले को. एंड देन मारियाज मम सेड, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर, शी इज़ माय खाला. तो मैंने कहा उनका भी राइट है. तो ऐसा ठीक है, जुहर कर देते हैं. सो शी टुक अ फ्लाइट एंड वी डिड जुहर एंड दैट्स इट. एंड देन आप नहीं सोच सकते हो कितना टफ टाइम था. एंड आप ये भी नहीं सोच सकते हो कि मुझे सोयम के दिन, मगरिब के वक्त सोयम के दिन फ़ोन आता है फ्रॉम चैनल्स एंड फ्रॉम पीपल हु वर्क्ड विद माय पेरेंट्स फॉर सो लॉन्ग, क्या आप कल सुबह आ सकती हैं मॉर्निंग शो में. सीरियसली? यस. द कैलसनेस, द ओह माय गुडनेस, द लेवल, द क्रूएल्टी. एंड आई वाज लाइक जस्ट बिकॉज, आप सोचो, लेवल देखो, मेंटल लेवल देखो. दीज आर द पीपल दैट माई पेरेंट्स गेव देयर लाइव्स टू द इंडस्ट्री एंड देवर कॉलिंग मी फॉर मी टू कम एंड शेड टू टीयर्स फॉर टी आर पीज. आई कुडंट बिलीव इट. सो या चलिए, अल्लाह उनको अपने बात इंशाल्लाह बहुत अच्छा रखा होगा और अल्लाह आपको हिम्मत दे. मैं तो आप तो राबिया बोल ही नहीं रही है, मैं तो देती जा रही हूँ इंटरव्यू. नहीं नहीं, मैं आगे बोलूंगी. मैं तो शुरू ही हो गई ना बस. नहीं बिकॉज ये मैं तो कह रही थी कि जो आपका जर्नी था ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ फेस करना, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया. आई वाज लाइक, अल्लाह ने आपको चैलेंज दी, आसानी भी की, लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि एक चैलेंज के बाद दूसरे चैलेंज से गुजरे. अम्मा के बाद मेरा शोल्डर कोलैप्स हो गया था, लेफ्ट शोल्डर, बिकॉज वो स्टेरॉयड डैमेज तो है हर जगह ही है स्केलेटन में. तो फिर शोल्डर मेरा ऐसे कोलैप्स होके ऐसे ऐसे हो. एंड आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं थे, वो वहीं पे थे ना. नहीं नहीं, अम्मा के बाद तो मैं वापस चिप गई. अच्छा, तब चली गई, वापस चली गई तो शोल्डर कोलैप्स हो गया स्ट्रेस से. तो शोल्डर कोलैप्स हुआ, बट ऐसे हो गया बाजू. एंड मैं प्लेट नहीं धो सकती थी, मैं कंफर्टर नहीं लिफ्ट कर, मैं बाल नहीं बना, पोनीटेल नहीं बना, उठ ही नहीं सकता था यार. देन समबडी सेड कि इसका आप रिप्लेसमेंट नहीं कराओ, जस्ट गो टू द पूल एंड वाटर थेरेपी करो. तो ये भी, दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे हियर दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे. And I'm telling this journey in so much detail, it might just help some people. So ये collapse हो गया तो bone तो अब जैसे पौधे को पानी नहीं देते तो वो brittle होके टूट जाएगा, ख़त्म हो जाता है, मुरझा जाता है, वैसे हो गई bone, तो collapse हो गया. तो उन्होंने कहा पानी में, buoyancy of the water में जब आप मूव करते हैं तो मसल रेजिस्टेंस बढ़ती है. तो आई स्टार्टेड गोइंग टू द पूल. आई डोंट नो हाउ टू स्विम, सो मैं वेट सूट पहन के ना, बिकॉज़ आई एम अ टॉल वुमन, तो आई वुड स्टैंड इन 5 feet और सो एंड जस्ट मूव एंड मूव माई आर्म्स एंड लेग्स. सो उससे ये हुआ कि आई कैन मूव माई आर्म नाउ. एंड सो दैट्स अ टिप फॉर समबडी हुज़ गॉट जॉइंट और बोन डैमेज, कि वाटर थेरेपी डज वर्क. सो आई डिडंट डू द सर्जरी फॉर दिस एंड आई जस्ट डिड द वाटर थेरेपी. माशाल्लाह से यू हैव टू, you can't just be thinking about ke ye kya ho gaya mere sath kind of thing. You have to think of ye 5 cheeze nahi hai na, ye 95 cheeze hain. And then in LA I started volunteering for disabled students. Okay. Because I realized ki meri ye problems hai na. Then I started volunteering for visually impaired and hearing impaired people. I'd go to school for them. School कहते हैं वहाँ पे, even if it's university. Go to school for them. I'd take their notes down for them. Okay. Then जो देख नहीं सकते थे तो उनके लिए मैं उनका exam read out करती थी. Wow. Okay. And जो जिनके हाथ पैर ऐसे होते हैं, जो pen या pencil नहीं पकड़ सकते, उनके लिए